Hi guys, this is Kunal and इस वक्त मैं हूँ कुमाऊँ में और मेरे साथ हैं शेफ धीरेन और हम दोनों मिलकर बनाने वाले हैं एक ऐसी प्रिपरेशन जो एक खड्डे के अंदर बनाई जाती है. सो सबसे पहले हमें चाहिए मटन जो हमने क्लीन करके रखा है. There. Oh, there is a honey bee there. Oh, it's a bumblebee. Beautiful, look at that. Hello. Yep, please. Thank you, we're cooking. I'll give you a job of an apprentice, I'm telling you. Okay, things happen. सबसे पहले हम इस मटन को थोड़ा सा पोक कर लेंगे. हमारे पास ये पहाड़ी लेमन है, विच इज़ अ जायंट ऑफ अ लेमन. रेगुलर लेमन ऑल्सो वर्क्स जस्ट फाइन. मस्त है ना? क्या कह रहे हो आप ही के गाँव का? सो ऑल राइट. सो इसके ऊपर सबसे पहले शेफ हम डालेंगे सॉल्ट और स्क्वीज करेंगे गुड क्वांटिटी ऑफ लेमन. सो शेफ सॉल्ट अच्छे से, और क्योंकि एक होल जॉइंट है तो इसके अंदर सॉल्ट थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा बिकॉज इट हैज़ टू सीप राइट इनसाइड. बस बस बस, सॉल्ट से मैरिनेट होने के बाद अब हम इसके अंदर लेमन को स्क्वीज करेंगे. गॉड, दिस इज रियली थिक लेमन. यस, टर्न इट अराउंड. देयर, इसे और आधा काटा एंड जस्ट स्क्वीज इट लाइक दिस. ये अच्छे से इसके अंदर सीप हो जाए. ओके सर, इसको रखेंगे इस तरफ. अब लग जाएंगे मेहनत वाले काम पे, यानी कि इसके मैरिनेट पे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसे हम सिलबट्टे पर पीसने वाले हैं. हम लेंगे थोड़ा सा लहसुन, हमारे पास ये पील गार्लिक है, थोड़ी सी अदरक है, इनफैक्ट मोर ऑफ जिंजर. स्मैशिंग इट हल्का. या शेफ, थोड़ी हरी मिर्च. एक और डाल दो, दो ये थोड़ी सी हल्दी. अब अच्छे से कूट के स्टनिंग, लुक एट दैट कलर, ब्यूटीफुल. नाउ इसमें जाएंगे मिंट लीव्स, और जो मटन और मिंट है उनका एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, सो ऐड अ गुड क्वांटिटी ऑफ फ्रेश मिंट लीव्स. अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारे स्पाइसेस. स्पाइसेस में है हमारे पास धनिया के बीज, ये है पहाड़ी धनिया, और जो धनिया और जीरा है वो लैम्प के दोस्त होते हैं, बेस्ट फ्लेवर्स होते हैं. इसके अंदर हम डालेंगे जीरा. यू कैन रियली गो क्लोज इन दिस. ये है जीरा, गुड क्वांटिटी. इसमें अब हम डालेंगे भांग के बीज, जो यहाँ की लोकल जो लोग हैं वो ये भांग के बीज खाते हैं. इसकी चटनी बहुत अच्छी बनती है. इस भांग के बीज को हम इसी चटनी में या इसी मैरिनेड में हम पीस देंगे. सो थोड़ी सी जावित्री. इसे हम अब अपने मटन के ऊपर रब करेंगे. ये मसाला इसके ऊपर अच्छे से रब होगा. वेरी नाइसली कवर्ड इन दिस मैरिनेड, नाइसली मैरिनेटेड. जायफल इज नटमेग. नटमेग एक बहुत अच्छा डीप इंटेंस फ्लेवर देता है किसी भी मीट डिश को. इसके अंदर हमें मॉइस्चर लाने के लिए इसके अंदर थोड़ा घी डालेंगे. सो वी हैव सम घी विद अस. नॉट नेसेसरी कि ये मेल्ट करना है, बट इसे बस इसके ऊपर हमें पोर करना है, या यूं आप रब भी कर सकते हैं.
नाउ देसी घी क्या करेगा, इस मसाले को एक अच्छा राउंडेड वेल राउंडेड फ्लेवर देगा, प्लस इट मेक श्योर कि जो मटन है वो ड्राई ना हो. और ये जो लोकल वुड की स्मोक है, दैट्स द बेस्ट स्मोक. ये फिलहाल अभी नहीं, रुक के एक पीस और. ये इसके ऊपर जाएगा घी, शेफ डालना लकड़ी के ऊपर जहां जहां आ गए. और इसे हम कवर कर देंगे. हमारा ये मटन जो है वो स्मोक हो गया है, अब हम इसे रैप करेंगे. नाउ शेफ, ये बोरी को अच्छे से पानी के अंदर भिगो कर पूरा नहीं निचोड़ना, हल्का निचोड़ के दे दो. ये गीला रहेगा उस वजह से ये जलेगा नहीं. एक और बोरी. ये बोरी अभी भी द वॉटर इज ड्रिपिंग आउट ऑफ इट. दो बोरी बहुत है. हमारे पास हैं ये केले के पत्ते, कोई भी चौड़ा पत्ता इस्तेमाल कर सकते हैं आप, चाहे तो अरबी के पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं. वी हैव अ मटन विद ऑल इट्स मैरिनेट नाइसली स्मोक्ड. इसे हम फैलाकर यूं रख देंगे, एक्स्ट्रा मैरिनेट ऊपर. और अब इन पत्तों में हम इसे लपेट देंगे लूजली यू एंड यहां से. और अब इस बोरे के अंदर हम इसे बांध देंगे. ये जो हमारा ये है जूट का बैग जिसके अंदर अभी भी पानी रिस रहा है, इसको हम सेंटर में रख देंगे डायरेक्टली ऑन कोयला. इसके ऊपर हम ये जलता हुआ अंगारा डालेंगे. चल हीरा कपड़ा. और अब इसे हम मिट्टी से ढक देंगे. अगर आपके पास रेत है दैट्स द बेस्ट. And that's it. Now, all we need to do is wait. अगर आप इसको 4 घंटे के लिए भी इस ज़मीन में रहने देंगे, ज़मीन की मिट्टी की गर्मी से धीरे धीरे ये मटन बहुत टेंडर पक जाएगा, तैयार हो जाएगा. शेफ चलते हैं कुछ चाय नाश्ता जी, उसके बाद आके इसको देखते हैं. और अब समय आ गया है कि इसकी जो मिट्टी है उसे बाहर निकालने का और मटन को पुल आउट करने का. सो हियर वी गो. देयर्स अ मटन. Let's open this. Okay. गरम तो भी काफी. बहुत गरम है. धुआं निकल रहा है. It's very hot actually. There. Look at that moisture. Let's open this.
चलते हैं। वाह, लुक एट दैट स्मेल ऑफ ऑल द हर्ब्स एंड स्पाइसेस। हल्दी की भी खुशबू आ रही है, मिंट की आ रही है। लुक एट दैट, इट्स फॉलिंग ऑफ द बोन। एंड द मटन इनसाइड इज स्टिल वेरी पिंक, विच मीन्स कि इसे बहुत ही कम आंच पे बिल्कुल परफेक्टली पकाया हमने। दिस इज गोइंग टू बी टेंडर लाइक बटर। ट्राई दैट। बहुत ही सॉफ्ट, एकदम मक्खन के तरह। कंप्लीटली जस्ट ऑलमोस्ट लाइक मुंह में घुल जाता है जी। बहुत ही बढ़िया टेस्ट। स्मॉल चंक्स जो निकल आए थे एकदम है। It's good. हमारा जो मटन था वो तैयार है। दिस इज पार्ट ऑफ द खड कुकिंग। ये जो खड्डे के अंदर ये बनाया है, इसका टेस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड है। दिस वॉज सो गुड।